मि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरै वन्दितपादपद्मम् ऋतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम् भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल सीखने का का सपना साकार। डाउनलोड प्रणाम सभी लोग को मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग माधव निदान पढ़ेंगे माधव निदान में हम लोग शिरो रोग पढ़ेंगे आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और सुबह के टाइम पे हम जब ये सब टीका वाचन और ये सब करते हैं तो हमारा ज्ञान का वर्धन रोज थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते ही रहता है माधव निदान में रोग जो बताया है उसमें हम आगे सिक्स नंबर का जो श्लोक है वो हम लोग देखेंगे इसमें बताया क्षय शिरो क्षय शिरो रोग के लक्षण क्या बताया है कि अस्ग्रव साष्मीरणान शिरोगता नीह संशयन क्षय प्रवृत्ता कष्टो भवेत कष्ट भवि ऋग्रजोतिमात्र संस्वेदन संस्वेदन शर्दन धूमन से मोक्ष विवृद्धि में शिरोगत रुधिर, वसा कफ और वायु के क्षीण होने से क्षय शिरोग होता है यह कष्ट साध्य है अत्यंत पीड़ा होती है संस्वेदन वमन धूमपान नस्य और रुधिर मोक्षण से पीड़ा बढ़ जाती है अब ये कैसे होता है कि रक्त की कमी है और ये सबसे मस्तिष्क बना भी है हम लोग देखते हैं तो रुधिर वसा कफ और वायु के क्षीण होने से क्षय संप्राप्ति हो जाती है कष्ट साथ पीड़ा बहुत हो रही है यहाँ पे स्वेदन दे रहे हैं वमन दे रहे हैं और धूमपान करा रहे हैं नस्य कर रहे रक्त मोक्षण से पीड़ा बढ़ती है टिप्पणी में बोला है कि क्योंकि संसुदन धूम्रपान से कफ और बसा का क्षय होता है और रुद्र मोक्षण से रुधिर का क्षय होता है इसलिए इन क्रियाओं से पीड़ा बढ़ती है विदेह ने क्षय क्षय शिरो शिरो रोग रोग में में होने वाले इस प्रकार कहे हैं है। देह घूमती है सिर में सुई चुभोनी किसी पीड़ा और शून्यता होती है आंखों की पुतली घूमती है मूर्छा आती और देह में पीड़ा होती है टीकाकार क्या बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं क्षयज लक्षण माह अस्त्र वात स्रिजो वसा स्रिजो सर्व ही स्थितत्वा शिरसि स्थितिः श्लेष्मणस्य उदान वायु रुढ्ध्व रुढ्ध्व गतित्वा शिरस्य अवस्थानं तेषां शयणे रुग्णग्रजत्वं रुजत्वं व्याधिप्रभावत् यतो वृद्धे वायुबा रुग्रुजा युज्यते न तु शिणे यदुक्तं वाते पिते कफे च एव शिणे लक्षणमुच्यते प्राकृत प्राकृता धानी हि चरक सूत्र सन अध्याय 18 इति अन्य पुनरयम पाठः सुश्रुते स्वीकृतः यथा वसा बलास्य संभवानाम इति युक्तशायम पाठः वातशय हि कफवृद्धो कफज शिदो रोगः स्यात् विरोधी नाम चरक सूत्र स्थान अध्याय अठारह अध्या इति वचनात् किम चैतस्य चिकित्साया मुक्तम पाणेनस्य च सर्पि हि स्याद वातग्न ततश्च समीरण पाठो ना संगता ना ही शीने वायो शमनमुक्तम् अपितरहि वर्धन विधि यदुक्तम् शीना वर्धय वर्धयत्वव्यया शुष्क चिकित्सा स्थान अधैर ठट्टे इति वसादेश नैहस्य उपलक्षणाम् तेन मेदो मज्जा शुक्रमस्तिष्का न्या अपि अव्यव प्रुनत्येते रुद्धन्ते तेषां देश नैत्वाद् पित्रमासादी छ चयादि क्रम छत शिरो रोग एवावरुद्धते इति गदाधर शिरो भी ताप शिरो रुजा संस्वेदन शर्दन धूमन से नागरादि तीव्र धूमे न वसा मस्तिष्कादिशय शिरा मोक्षादि भी सृक्षय अत एवते संस्वेदनादि भी छेजस वृद्धि अथम विदेहे विदेहे अभी पठ्यते भ्रमती तुद्यते शून्यम शिरो विभ्रांत नेत्रता मूर्छा गात्राव सादस्य शिरो रोगे छयात्मके इति चक्षु, चक्षुष्यो अप्याह श्री प्रसंगा अभिघाता देह दे कर्मणा शिप्रम संजायते कृच्छः शिरो रोगः छयात्मकः वात पित्तात्मकं लिंगं व्यामिश्रम तत्र लक्षेत इति शय शुरुवित के लक्षण कहते हैं अस्रगित्यादि वसा और रक्त जैसे सारे शरीर में विद्यमान रहते हैं वैसे सिर में भी विद्यमान रहते हैं तर्पक का तो अधिष्ठान सिर है इस प्रकार भाग अर्थात कंठ देश में से ऊपर ऊपर गतिमान होने के कारण उदान वायु कभी सिर में अवस्थान पाया जाता है इन सबके शय से सैजन्य शिरोपिताप हो जाया करता है इसमें उग्र और असह्य पीड़ा का होना रोग की विशेषता का द्योतक है अर्थात क्षयजन्य शुरू में स्वभावतया असह्य शिरो वेदना होती है अन्य वात में उग्र पीड़ा नहीं हुआ करती है वास्तव में तीव्र पीड़ा तो वायु की वृद्धि अथवा प्रकोपावस्था में ही पाई जाती है आयुर्वेद का सिद्धांत भी यही है कि नरते नीला शूलम अर्थात वायु के प्रकोप के बिना शूल नहीं हो सकता है किंतु फिर भी यह क्षय शिरोपी ताप में असह्य शूल हुआ करता है यह रोग का ही प्रभाव है इस विषय में चरक का प्रमाण भी उपस्थित करते हैं कि वात पित्त और कफ इनके क्षय के लक्षण पाए जाते हैं या यह समझिए कि इनकी अपने अपनी क्रिया में रास व शैथिल्य हो जाता है अथवा इनके स्वाभाविक कर्म में हानि अथवा विक्रिया उत्पन्न हो जाया करती है जरा सूत्र सन अध्याय अठारह अन्य आचार्य वसा बलाशय संभवान इत्यादि पाठ को शुश्रुतो स्वीकार करते हैं और यह पाठयुक्त अथवा असंगत भी प्रतीत पाठयुक्त अथवा संगत भी प्रतीत होता है क्योंकि वायु के क्षीर्ण होने पर कफ की वृद्धि हो जाने से कफजन्य रोग हो सकता है क्योंकि चरक के वृद्धि चापी विरोधी नाम अर्थात एक धातु अथवा दोष का क्षय होने पर उसके विरोधी धातु अथवा दोष की वृद्धि इस रोग की चिकित्सा करते समय रोगी को मधुर और जीवने गण से सिद्ध किए हुए घृत का पान कराना चाहिए तथा इसी घृत की नस्य देनी चाहिए इसीलिए मूल प्रोक्त अस्त्र इत्यादि श्लोक में स्थबिरन पाठ ठीक प्रतीत नहीं होता है किंतु क्योंकि वायु के शिण हो जाने पर शमन किसका किया जाएगा अगर वायु शिण है तो किसकी चिकित्सा करेंगे ऐसी अवस्था में तो वर्धन विधि का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि कहा भी गया है कि शिण होने वाले दोषों को दोषों और धातुओं की वृद्धि करनी चाहिए सुशोष चिकित्सा स्थान अध्याय 33 वसा शब्द शिविर स्नेह का द्योतक है इसलिए यहाँ पर वसा शब्द से स्नेहभूत और मस्तिष्क का ग्रहण अवरोध हो जाता है क्योंकि यह भी शरीर में स्नेहभूत है पित्त और धातुओं के क्षय से होने वाले शिरो रोग का दोष क्रम से होने वाले क्षय से होने वाले शिरो रोग में अवरोध हो जाता है ऐसा आचार्य गदाधर का मत है इस सारे प्रकरण का अभिप्राय यह है कि क्षय शिरोपिताप अर्थात शरीर के स्नेहभूत वसा मेद मज्जा और शुक्र और मस्तुलुम के क्षय से उत्पन्न होता है ऐसा समझना चाहिए शेष धातुओं के क्षय से उत्पन्न होने वाले शिरोभिताप का वातिक शिरो रोग में अंतर्वाह हो जाता है इति सिर दर्द को ताप कहते हैं स्वेदन वमन व्यरचनिक धूमपान और नस्य के प्रयोग से कफ का क्षय होता है शुंडी आदि तीक्ष्ण द्रव्यों से सिद्ध किए हुए तीव्र धूम्र के सेवन करने से वसा और मस्तिष्क आदि शारीरिक स्नेहों का भी क्षय हो जाता है सिरा वेद द्वारा रक्त मोक्षण करने से रक्त क्षय हो जाया करते हैं अतएव इन पूर्वोक्त उपक्रमों से संदनाद शिरोपिताप की वृद्धि होती है विधेयक तंत्र में भी क्षेत्र शिरो रोग का उल्लेख पाया जाता है यथा श्रेयात्मक शिरो रोग में सिर घूमता रहता है तो होता है और सिर खुखला हो जाता है नेत्रों के आगे समस्त पदार्थ घूमते दिखते हैं मूर्छा होती है और शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ जाता है आचार्य चक्षुष्य भी कहते हैं कि अत्यंत स्त्री संभोग करने से सिर में मस्तिष्क और तथा तक चोट लग जाने से तथा अधिक शारीरिक काम करने से शारीरिक धातुओं का नाश हो जाने से कष्ट साध्य से आत्मिक रोग हो जाते हैं इसमें वात और पित्त से मिले हुए लक्षण पित्त के मिले हुए लक्षण पाए जाते हैं अर्थात वसादीस्निक धातुओं के क्षय से वात पित्त का प्रकोप

और प्रसाद भूत वायु का क्षय हो जाता है तब इसके शय से उत्पन्न होने वाले ताप अत्यंत कष्टदायक होता है तब उसमें अविच्छिन्न रूपेण तीव्र पीड़ा होती रहती है प्रायः सिर दर्द में सिर पर स्निग्धोष्ण शाल्वर्ण आदि स्वेद वमन धूम नस्य एवं शंख प्रदेश शिराविदादि उपक्रमों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रवृद्ध कफादी दोषोजन्य जन्य शिरो में यह प्राय शांत हो जाता है किंतु क्षय भी ताप इन विधियों के प्रयोग से बढ़ जाया करता है इसके बाद में आ रहे हैं कृमि शिरो रोग के लक्षण अगर क्रिमिया हो गई शिरो में तो उसके वजह से पेन होता है मतलब तीव्र शिराशुल होता है तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे तो कृमि रोग के बारे में बताया है मैं बताता हूं एक मिनट रुके शिरोति मात्रम स्वर तीव्र वचांतः ग्राणा च गच्छेत सलिलम सपोयम् शिरोभि तापः क्रमेभि शक हो रहा मतलब जिसके सिर में सुई चुभने की सी अत्यंत पीड़ा होती है कीड़ों के काटने से सिर बार-बार फटक फड़क उठता है नाक से पीप सहित पानी गिरता है कभी-कभी कीड़े भी गिरते हैं क्योंकि चरक ने कहा है कृमिणाम दर्शनेन च उस कृमि शिर रोग उसे कृमि शिर रोग समझना चाहिए टीकाकार क्या बोलते हैं कृमिजम महानिस्तुद्यत इत्यादि निस्तुद्यते सुचि ब्रीयुतुद्यते संभक्षमाणा मिथ्यत्र कृमिभी इति शेषा प्रकरणात स्फुरति व मनाक चलति व ग्राणा चेति चकारो भिन्न क्रमेण सलील मिथ्यत्र तंबन्दते तेन सलीलं पूयम च गच्छे तथा कृमियस्य कदाचित गच्छन्ति इति तथा च चा चरकः कृमिणाम दर्शनेन च चा, चरक सूत्र अध्याय 17 इति कृमि के लक्षण कहते हैं निस्तुद्यति इत्यादि निस्तुद्य अर्थात सिर में सुई चुने किसी पीड़ा होती है संभक्ष इसके साथ प्रकरणानुसार कृमि भी इस पद का अध्यार कर लेना चाहिए इसका अर्थ होता है कि कृमि मस्तिष्क के अंदर उत्पन्न होकर इसको खाते रहते हैं स्फूरती व चांदता अर्थात सिर के अंदर स्फूरण होता है अर्थात कृमि चलता हुआ प्रतीत होता है घ्राणाच यहाँ पर चकार भिन्न क्रम का सूचक है उसका मुख्य संबंध शलिल शब्द के साथ है इस तरह इस वाक्य का अभिप्राय यह हुआ कि नाक से जल के समान तरल एवं पोय राह या मवाद निकलता है तथा कभी कभी कृमि भी नाक में से निकलने लग जाते हैं क्योंकि चरक में भी ऐसे ही कहा है कि तिलादी पदार्थों के विषम सेवन से दोषल मनुष्य के रक्तादियों में क्लेद उत्पन्न हो जाता है क्लेद होने से यहाँ पर कृमि उत्पन्न हो जाते हैं ये कृमि सिर में काटने की सी पीड़ा आदि उपद्रव उत्पन्न कर देते हैं और वे कृमि नाक के मार्ग से टपकने भी लग जाया करते हैं यह कृमि ताप एक प्रकार के पाप कर्म का फल ही समझना चाहिए जिससे कि रोगी की दुर्गति हो जाया करती है जन्य शिरोभी ताप में सिर में अत्यंत तो होता है और सिर अर्थात मस्तिष्क के अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि कीड़े खा रहे हैं मस्तिष्क के अंदर स्पुर का सरसराहट प्रतीत होता है जैसे कि कीड़े चलते हैं नाक में से पतला सा तरल और कभी कभी मवाद भी टपकता है इसके अतिरिक्त नाक में से कभी कभी जब कभी वे नीचे की ओर सरकते हुए नासा पद तक पहुंच जाते हैं कृमि भी दिखाई देते हैं यह रोग अत्यंत घोर एवं कष्टप्रद होता है कहीं तो कहीं सलील के स्थान पर रुद्रम ऐसा पाठ पाया जाता है रुधिर अर्थात नाक में से रुधिर और पोए टपका करते हैं इसके बाद में है सूर्यावर्त के लक्षण सूर्योदय प्रति मंद मंद मक्षिवृक समुपै विवर्धते चांशु मता सहय सूर्या व प्रवृत्तो विनिवर्त सर्वात्मकम विकार सूर्योदय के समय से आंखों के ऊपर भुआव में थोड़ी थोड़ी पीड़ा आरंभ होकर सूर्य की किरणों के साथ बढ़ती जाए अर्थात जैसे जैसे दिन चढ़े वैसे वैसे क्रमशः पीड़ा भी बढ़ती जाए और संध्या को पीड़ा शांत हो जाए यह त्रिदोष विकार कष्ट साध्य होता है इसे सूर्यावर्त कहते हैं आचार्य बल ने इसका यह कारण बताया है कि सूर्य की गर्मी से मस्तिष्क का मस्तुल इससे पीड़ा बढ़ती है और सूर्यास्त होते ही शांत हो जाता है दूसरा इसका विपर्य चातुर्थिक विपर्य ज्वर के समान भी होता है जो शीत से बढ़ता है और उष्णता से शांत होता है कब किसी किसी आचार्य ने इसे वाद पित्तज माना है टीकाकार क्या बोलते हैं कि सूर्यावर्त लक्षण महा सूर्य सूर्योदय मित्यादि, सूर्योदयम प्रति लक्षीकृत्य या रुगाक्षि भृवम समुपते इति संबंध अक्षी भृवा इति पाठांतरे प्राणांगत्वेन प्राप्तवद अवस्था भावः नासगा स्तनयो रीति वल्लक्षण व्यविचारत सूर्योदय प्रातर मंदम वंदम वा यथास्या तदा रुजा समुपेति अंशुमता च सह गाढ़ा यथा भवति तथा वर्धते अयम अर्थ यथा सूर्य वर्धते तथा वेदना प्रवृद्धा भवति सूर्य स्थापवृतो सायहने विनिवर्तते सामत्यत्यर्थः गाढ़ा गाढ़ा इत्यर्थ गुढ़ा इति पाठांतरम तथा सूर्योपगमे गुढ़ा रात्रो लिनेन्यत्थः सर्वात्मकमिति सन्निपातजम् व्याधिस्वभावाच् कालविशेषनियमः कष्टतमं कृच्छ्रसाध्यम् ननु अयम शुशुते वात पित्ताभ्याम पट्यते तद्यथा आवर्त संज्ञा स सूर्य पूर्वो व्याधिर्मत पित्त समेरणाभ्याम शीतेन शांतिम लभते कदाचित उष्णन जंतु सुख शुशुत उत्तर तंत्र अध्याय पच्चीस इति तत्कथम सर्वजत्वम उच्चते शुशुतेन उत्कर्षेन व्यपदेश इति न विरोधः ननु एवं कथम रात्रो वायु समान गुण शीत प्रादुर्भावे वेदना लीनता दिवसाद्यंतयोर्मंद लोकत्वमच उच्चते अत्रापि पित्तस्य प्रबलत्तमत्वात् अथवात पित्तजत्व वर्णनेन विशिष्ट काल भवने हेतुर्दर्शितो भवति यतो वात पित्तयोः शीतोष्णात्मकत्वात् पूर्वाने सूर्यवृद्धि क्रमेण स्त्रोतसाम संकोच अवरुद्ध मार्गयो वेदनाकरत्वम् परहान्ने निवर्तमाने सूर्यतु स्त्रोदसाम विवृतत्वात् सोमार्ग व्याघात क्रमात् अवरुद्ध मार्गयो वेदना करत्वम् परहान्ने निवर्तमाने सूर्यतु स्त्रोदसाम विवृतत्वात् सोमार्ग व्याघात विरहेण वेदनाया अजनकत्वमिति युक्तः काल विशेष नियमः तथा च निमि सूर्य सोमात्मको नित्यम् स्वहेतु पित्तमारुतो पूर्वते ती वेदना तीव्रम दिना पुर्वाहन आदि निवृत्त भास्कर निवृत्ते तथा श्लेष्मा दिग्छति मतरीश्वाच स्वर्ग प्रतिपद्य मध्य दिना धूर्धम वेदना प्रशामतीजत्व न्यायाद तेन पूर्वेण साम न विरोध विधेहे सूर्यावर्त विपर्यो भी पठ्य तत्र वातानुगम पित्तम चित्तम शिरसी तिष्ठति मध्याने तेजसा अर्घस्य तद विविर्धम शिरोरुजम करोति पैतिकिम च घोराम संप्राप संशाम्यति दिनशय अतंसगते प्रभाहीने सूर्य वायु विवर्धते पित्तम शांतिम वापनोति ततः शाम्यति वेदना एष पित्ता निलकृता सूर्यावर्त विपर्यायति अयमत्र सूर्यावर्त एक एवांतर भाव निया चतुर्थ के चातुर्थिक विपर्यवत सूर्यावर्त के लक्षण कहते हैं सूर्योदय इत्यादि जो पीड़ा सूर्योदय को लक्ष्य करके अर्थवा सूर्य के उदय होने के साथ आंख और भ्रू प्रदेश में उत्पन्न हो जाती है इस प्रकरण की इस प्रकार की योजना कर लेनी चाहिए अक्षी भ्रुवम के स्थान पर कहीं कहीं अक्षी भ्रुव ऐसा पाठ भी देखा जाता है ऐसी दशा में व्याकरण नियमानुसार प्राणयांगत्व होने पर होने वाले एक वत भाव का अभाव जानना चाहिए अत एव अक्षुभ्रुव यह द्विवचन का द्विवचन ही रह गया है नासिका स्तने में भी जैसे द्विवचन का व्य विचार हुआ है ऐसे यहाँ भी समझना चाहिए प्रातः काल सूर्योदय होने पर बहुत हल्की सी पीड़ा आरंभ होती है तथा जैसे सूर्य की किरणें तीव्र हो जाती हैं पीड़ा भी उसी अनुपात में बढ़ने लगती है इसका अभिप्राय यह हुआ कि जैसे जैसे जो जो सूर्य थो, तो तीसरे प्रहर से जैसे जैसे सूर्य ढलता है पीड़ा भी कम होती जाती है और सूर्योदय होने पर पीड़ा भी आ, अस्त हो जाती है गाढ़ा स्थान पर गुढ़ा ऐसा पाठंतर भी पाया जाता है इसका अर्थ यह है कि सूर्य के अपगम अर्थात अस्त होने पर पीड़ा विगूड अर्थात छिप जाती है या लीन हो जाती है अथवा सिद्ध हो जाती है मिट जाती है सर्वआत्मम अर्थात यह रोग त्रिदोष प्रकोप जन्य होता है या व्याधि का स्वभाव ही है कि इसमें काल विशेष का नियम अथवा समय की पाबंदी पाई जाती है जैसे कि सूर्य के साथ उत्पन्न होकर उसके साथ-साथ ही बढ़ना और उसके साथ-साथ लीन हो जाना कष्टतमम अर्थात यह रोग अत्यंत कष्टप्रद होता है अब इसमें शंका उत्पन्न होती है कि सुश्रुत में इस रोग को वात पित्तोद्भव माना है जैसे कि पित्त और वायु के प्रकोप से होने वाला यह रोग सूर्य पूर्व आवर्त कहा जाता है कभी कभी शीतकाल और शीतल पदार्थों के सेवन करने से शांति प्राप्त होती है और कभी कभी उष्ण पदार्थों के सेवन करने से रोग शांत हो जाता है शुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय पच्चीस ऐसी दशा में इसे सन्निपात्र कैसे माना जा सकता है इसका समाधान करते हुए लिखते हैं

पित्त की ही अत्यंत प्रबलता होती है जो कि चिकित्सा में सिरस की जड़ पिपला मूल और बचादे द्रव्य द्वारा अवपीड नष्ट का विधान किया जा है यह विधान रोग प्रत्यनिक रोग के प्रतिकूल अथवा रोग नाशन होने से उचित ही होता है सुश्रुतोक्त तो बात वर्णन से अर्थात सुश्रुत में इस रोग का बात प्रकोप से माना जाता है इसलिए उसी के अनुसार यह काल विशेष से होता है इसका इसमें हेतु का निर्देश भी करते हैं जैसे कि वात और पित और पित्त होते हैं। सूर्योदय के समय से लेकर सूर्य की वृद्धि क्रम से शिरोगत शिर, स्रोतों के संकोच से जब इनकी गति रुक जाती है तब रुके हुए ये पीड़ा के कारण बन जाते हैं तीसरे प्रहर में जब सूर्य ढलने लगता है

में ही अंतर्भाव समझना चाहिए जैसे कि ज्वाधिकार में चातुर्थिक तो की तीव्र पीड़ा होती है जो सूर्योदय के समय नेत्र और भूमंडल में आरंभ होकर सूर्य के साथ, साथ तीव्र होती जाती है और दोपहर के समय जबकि सूर्य प्रचंड प्रताप से युक्त होता है उस समय पीड़ा का भी प्रचंड आक्रमण होता है अर्थात ठीक दोपहर के समय सिर दर्द इतना तीव्र होता है कि मनुष्य व्याकुल हो जाता है इसके पश्चात जब सूर्य धीरे धीरे ढलने लगता है तब पीड़ा भी धीरे धीरे कम होने लगती है और सूर्यास्त होने पर पीड़ा शांत हो जाती है इस रोग को सूर्यावर्त या सूर्यापवर्त कहते हैं यह रुख सन्निपातजन होता है और अत्यंत कष्टप्रद होता है यद्यपि मूल में वात पित्त के अनुबंध का संकेत नहीं पाया जाता तो भी आदि आचार्यों के प्रमाण में ऐसा पाया जा, माना जाता है कि होने पर भी वात पित्त दोषों का प्रकोप अत्यधिक होता है प्राय यह पीड़ा नजले की खराबी से मानी जाती है इसके बाद में रोग आता है अनंत वाद के लक्षण दोषास्तु दुष्टास्त्र एवं मन्याम संपीड घाटासु रुजाम तीव्राम कुरवंती यु अक्षिभ्रुवि शंकदेशे स्थितिम करोत्याशु विशेषतस्तु गंडस्य पार्श्वेतु करोति कंपम हनुग्रहम लोचदस जाश्य रोगान अनंत वातम तमुदा शिरसो विकारम और तीनों दोष कुपित तो होकर गले के पश्चात भाग में और मन्या नाड़ी में तीव्र पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं भाव में और कनपट्टी में भी पीड़ा होती है गंड पार्श्व में कंप होता है अनुग्रह एक प्रकार की वात व्याधि और नेत्र के रोग हो जाते हैं इसे अनंतवात कहते हैं यह शिरो विकार तीनों दोषों से होता है टीकाकार क्या बोलते हैं अनंतवात लक्षणम महा दोषाय इत्यादि मन्या ग्रीवा सिरा द्वयम ताम संपीड़े घाटासु ग्रीवा पश्चात भागेषु दोषाश्रय एव रुजाम वेदना सुतीव्रम कुर्वंती तथा अक्षी शंख देशे स्थिति मारब्दम यो विशेषता करोति तथा गंड पार्श्वे कम्पम अनुग्रहादिकम करोति तमनंतवातम उदाहरंती इति योग्यम गंडस्य कपोलस्य पार्श्वे एकदेशे हनुग्रहो वात व्यादि विशेषः अम्मञ्च शुश्रुते अन्यतो वाते नैव तुल्यत्वा दनंतवातं परितज्य दश शिरोरोग अभिहितः तत्र एवम तंत्रांतरेपि कीर्तितास्तद्विदाह दश इत्यविधानं माधवकरणतो त्रिजोजत्र दोषजत्वेन तदगति कम्प अनुग्रह लिंग योगात् केवल वात जा वाता दि लक्षण एवायमिति अनंतो वातो अधिका पीड़ पठित भेदो ही भेदवतम कारण भेदा विरुद्ध धर्म ध्या सा अनंतवाद के लक्षण कहते हैं दोष इत्यादि ग्रीवा के दोनों ओर की सिराओं को मन्या कहते हैं उस मन्या को पीड़ित करके घाटा अर्थात ग्रीवा के पिछले भाग में जिसे गाठा अथवा क्रकुटिका या किवाड़ी कहते हैं दोष प्रकोपित होकर अत्यंत इसी प्रकार प्रत्यंगों में, में अपना विशेष अधिष्ठान रखते हैं इसके अतिरिक्त गण प्रदेश तथा हनु प्रदेश में पहुंचकर कंप व आदि रोगों को उत्पन्न कर देता है उस रोग को अनंतवाद कहते हैं इस प्रकार से इस पदार्थ की योजना करनी चाहिए गण अर्थात कपोल के एक पार्श्व अर्थात एक और व एक तरफ अनुग्रह एक रोग विशेष होता है जिसके लक्षण वात कहे जा चुके हैं सुश्रुत में इस अनंतवाद की अंतर्भूत करके केवल दस माने गए हैं सुश्रुत के मतानुसार इन दोनों के लक्षण आपस में मिलते हैं इसी प्रकार किसी तंत्रांतर में भी कीोग दश माने गए हैं ऐसा कहा गया है किन्तु आचार्य माधवकर इसको त्रिदोष प्रकोप नहीं मानते हैं इसमें कम पर अनुग्रह इन लक्षणों के अधिक्य के से केवल वातजन्य अन्य तो वात के रूप से भेद हो जाता है इसलिए लिखते हुए कहते हैं कि वाता तीनों देश प्रकृपित होकर मन्या ग्रीवा नाड़ियों को पीड़ित करके घाटा प्रदेश या ग्रीवा के पश्चात भाग जिसे कृका या गुद्दी कहते हैं उसमें तीव्र पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं तथा वह पीड़ा नेत्र भ्रूमंडल और शंघ प्रदेश कनपट्टी में अपने विशेष अधिष्ठान कर देती है इसके तृतीय पीड़ा आह के सहारे से नीचे उतरती हुए गंड प्रदेश में कंप व उत्पन्न कर देती है अनुग्रह हो जाता है तथा तो नेत्र संबंधी जन्य कई रोग हो जाते हैं इस रोग को अनंतवाद कहते हैं अर्थात सन्यपात प्रकोप से शिरा प्रदेश में एक रोग हो जाता है जिसे अनंतवाद कहते हैं इसमें ग्रीवा की रगे घुट जाती हैं और ग्रीवा के पिछले भाग में जिसे की गुद्दी कहते हैं अत्यंत पीड़ा होती है इसके अतिरिक्त आंख भ्रू और शंख में पीड़ा का विशेष अधिष्ठान होता है केवल यही नहीं पीड़ा नेत्र भ्रू से उत्तर उतर कपोल प्रदेश तक पहुंच जाती है जिसके कारण गंड प्रदेश में कंप और अनुस्तंभ हो जाते हैं इसके अतिरिक्त कई प्रकार के नेत्र रोग भी हो जाते हैं तो अभी हम लोग सेशन बंद करेंगे अब हम लोग सात बजे मिलेंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए थैंक यू प्रणाम सभी लोगों को